हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन था मेरा उन लोगों से जो लोग एक तो बिहार गए हुए थे पेपर देने के लिए, और वहाँ पर एक रोना रो रहे थे कि हमको बहुत दूर भेज दिया है, इतना दूर आना पड़ा एग्ज़ाम देने के लिए। तो जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं कि मेरी आदत है थोड़ा सा बेबाकी से हर चीज़ पूछ लेने की और उसका जवाब भी देने की, तो उनमें से कुछ लोग मुझे ऐसे मिले वहाँ पे कि इतना दूर से एंटर क्यों डाला है। तो फिर मेरा उन सब से एक ही क्वेश्चन था कि क्या आपने जब बिहार में डाला था एक फॉर्म, तो ये सोचा था कि सेंटर आपके घर पे दिया जाएगा? नहीं ना, तो फिर क्यों बिहार सरकार को बदनाम करते हैं? और फिर बीपीएससी के थ्रू अगर उन्होंने एग्ज़ाम लिया है तो क्वेश्चन तो टफ़ आने ही थे, थोड़ा बहुत लेवल हाई होना ही था। और इन सब चीज़ों को देखते हुए आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको एक मौका मिला है अपनी लाइफ सुधारने का, तो आप उसमें जाइए, बल्कि आपको चाहिए कि यूपी में नहीं हो रहा है उससे आपको तसल्ली है, सुकून है, संतुष्टि है, लेकिन दूसरी सरकार अगर दे रही है तो इतना क्यों दे रही है, ऐसे क्यों दे रही है, सेंटर दूर क्यों डाले हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था क्यों नहीं दी है, वहाँ पर आपको खाने के लिए स्पेशली बुलाया क्यों नहीं गया, पूछा क्यों नहीं गया है। ये सब चीज़ें गलत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिहार गए हैं पेपर देने, वो भी उत्तर प्रदेश से, तो क्या आपको नहीं पता है कि बिहार यहाँ से दूरी बनाता है और एक अलग स्टेट आता है, और कोई भी इतना जानकारी तो नहीं रखेगा कि आपका ज़िला कहाँ है और उनका ज़िला कहाँ है। शुरू में मुझे भी ये चीज़ की प्रॉब्लम थोड़ी सी लगी थी, मैंने कहा देखिए बॉर्डर के ज़िले में नहीं दिया मुझे, अब मुझे पटना जा करके फिर उसके आगे बेगूसराय जाना पड़ा, जबकि मुझे लगता है कि जहाँ मैं गई थी करीबन 50% एरिया बिहार का मैं क्रॉस कर चुकी थी और उसके आगे बेगूसराय पड़ता है। लेकिन मुझे उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने वहाँ तक की चीज़ें देखी, शायद मैं अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से होकर के पेपर दे के लौट आती तो मुझे वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती, जैसे वहाँ के बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस देखे मैंने, तो इतना मतलब प्राउड लगा बिहार गवर्नमेंट के ऊपर कि उन लोगों ने कितनी बखूबी कितनी खूबसूरती के साथ में सारी चीज़ों को मैनेज कर रखा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना बड़ा तो मेरे हिसाब से कोई ब्रिज नहीं होगा, तो जैसे कि मैंने देखा वहाँ एक राजेंद्र पुल था, ये था आपके बरौनी के पास में, तो वो इतना लंबा पुल था, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल पानी के बॉर्डर पे खड़े हैं, ऐसा ना हो कि कहीं पे पानी की कोई धारा फट जाए कोसी की तरह से और हम सब उस बाढ़ के अंदर रहो, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े प्लांट लगे हुए थे बिजली के, तो मैंने वहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत रोचक रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। तो आप ये मत सोचिए कि उन लोगों से मेरी एक अपील है कि आप लोग ये मत सोचिए कि बिहार सरकार ने आपको सेंटर कहाँ दूर दिया था, क्योंकि जब बिहार सरकार अगर आपको ज्वाइनिंग भी दूर देगी ना तो आप चले जाओगे, मुझे अच्छी तरह से पता है, इसीलिए आप सबने भी फॉर्म भरा था और इसलिए मैंने भी फॉर्म भरा था। तो मैं कभी किसी से ये शिकायत नहीं करती हूँ, ना ही मैं कर रही थी वहाँ पर कि मेरा सेंटर इतना दूर क्यों डाला, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप उस दूरी पर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं तो आप उससे ज़्यादा दूरी पर नौकरी करने जा सकते हैं, बिकॉज़ आपको टीचर बनना है ना? तो इसलिए अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते हैं, तो उसका बुराई भी मत कीजिए। और ये काम किया है बिहार सरकार ने हमारे लिए, हम उत्तर प्रदेश के निवासी, उत्तर प्रदेश के वो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए हुए थे बिहार में और बिहार के आबो हवा में रह के आए हैं, 3-4 दिन वहाँ बिता के आए हैं, तो वहाँ के लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट मिला, क्योंकि अगर लोग सपोर्टिव नहीं होते तो वहाँ पर एक दिन का स्टे करना मुश्किल हो जाता, और हम लोग तो 3-3, 4-4 दिन रुक के आए हैं। जैसे कि मैं ही मंगलवार को गई थी और आज संडे है, तो आज मैं वापस आई हूँ तो मतलब एक थकान थी सुबह से, तो लग रहा था फिर सो गए थे, अभी अभी जब उठे तो मैंने कहा लाऊं, अपनी जो भी मन की इच्छाएं हैं वो शेयर करनी चाहिए, जो मैं वहाँ पर देख के आई हूँ, जो वहाँ का मतलब व्यवहार वहाँ का नेचर था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरे लिए तो सबसे एक अलग चीज़ रही कि मैं जब से अपने घर से निकली थी तो यहाँ से बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा था और बारिश हो भी रही थी,
और वहाँ एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पर भी खूब बारिश हो रही थी और वहाँ के टीचर्स ने बताया कि आपका सेंटर जहाँ पर है यहाँ तो कम से कम बाढ़ नहीं आती है, और आप ही लोग जहाँ पर आपके साथ के मतलब कुछ लोग होंगे वहाँ हो सकता है कि बाढ़ आई हुई हो और सेंटर जो है पानी में डूबे हुए हों थोड़े बहुत, तो लोग वहाँ पर भी पेपर देने गए हुए हैं और आप लोग तो केवल भीगते हुए यहाँ पे आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ उन लोगों की बातें टीचर्स की, और टीचर्स जो थे वो भी मतलब थोड़ा सा फनी टाइप मतलब थे कि अगर हम लोग को 1 घंटे पहले एंट्री दे दी गई थी तो हम लोग सोच रहे थे क्या करेंगे 1 घंटा बैठे एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि हम लोग 1 घंटा पहले अंदर नहीं जाएंगे तो हम लोग को एंट्री नहीं मिलेगा। तो हम लोग 1 घंटा जैसे पहले बुला लेते थे ना तो अंदर टीचर्स बोर नहीं होने देते थे हम लोगों को, हमारे कुछ अनुभव कुछ अपने अनुभव वो बताते थे और फिर बोलते थे कि आप लोग भी जब बिहार में टीचर बनोगे ना तो यहाँ की भाषाओं को समझना सीख जाओगे। हम लोग जैसे कि कुछ उनकी भाषाएं थी मतलब उनकी भाषा में कुछ चीज़ें हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे होते थे जो नहीं समझ में आते थे तो हम लोग उनसे दोबारा पूछ भी लेते थे। एज अ फैमिलियर हो गए थे हम लोग 2 दिनों में, हमें नहीं लग रहा था कि हम अपना यूपी छोड़ के बाहर हैं। तो वहाँ के टीचर्स से भी हम लोग बहुत घुल मिल गए थे, मतलब अच्छा लगा उनसे बात करके। तो वो लोग भी काफ़ी अच्छे नेचर के थे, वहाँ का सभी स्टाफ बहुत अच्छे हेल्पिंग नेचर था, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वहाँ का रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्कूल डिपार्टमेंट हो, क्योंकि जिससे जिससे हम लोग का पाला पड़ा हम तो उसी को जानते हैं ना, तो बाकी लोगों को तो नहीं जानते हैं आप। तो उन सभी लोगों से हम लोग बातचीत किए और जो वहाँ के लोग थे उनसे भी बातचीत की, और मैंने तो अपनी जैसे कि मुझे यहाँ पे पहले ही कई लोगों ने बताया था कि बिहार में, और लोग विरोध कर भी रहे थे कि हम यूपी वालों को यहाँ आने नहीं देंगे, एग्ज़ाम नहीं देने देंगे और बिहार सरकार गलत कर रही है, तो क्या है मतलब लग रहा था कि वहाँ जाएंगे ऐसा ना हो कि ऐसा कोई कंडीशन फेस करनी पड़ जाए, लेकिन वहाँ जाएंगे बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ और कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कोई हमारे अगेंस्ट है या फिर हमारा विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स थे भाई बाहर वेटिंग में तो सब लोग साथ में ही बैठते हैं ना, तो कम से कम वो तो नहीं कर रहे थे विरोध कि हम लोगों को ये लगे कि कहाँ आके फंस गए। तो ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं देखने को मिला है। तो हम सभी लोग मतलब एक एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो हाँ एग्ज़ाम देने गए थे और दूसरा इतनी दूर गए हुए थे, तो थोड़ा सा तो फन एंजॉय वगैरह सब बनता ही है, थोड़ा बहुत तो करके आते हैं हर जगह पे, है ना। इसी बहाने हमारा एक ट्रिप हो गया घूमने का भी। ठीक है, ओके बाय।